अभी तक के केस में जजेस का जो इंक्लिनेशन है, जो रुझान है, वो री नीट की तरफ ज़्यादा हो रहा है। वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम बात करें 2021 से लेकर के 24 तक, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो ऐसा इस बार क्या हुआ पेपर में, ये बहुत ही एक मेन चीज़ है जो मुद्दा उठाया जा रहा है। एंड जजेस बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वी विल कैंसिल द पेपर। तो देखते हैं कि ऑपोजिट साइड से इसमें क्या तर्क देखने को मिलता है। जो जज साहब है ना, वो काफी इसके चिंता भी कर रहे हैं कि इस कंट्री में 24 लाख बच्चे इसके पेपर को देते हैं, तो इसका जो सिवेरिटी है बहुत हार्ड है, तो उसे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या मतलब उसको टटोल रहे हैं कि क्या सिर्फ हम जो गलत है उनको सजा दे सकते हैं, क्या गलत है उनको ढूंढ, मतलब वो काफी सीरियस सर वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये कौन से तरीके हैं, कौन से जरिए हैं जिससे कि जिन जिन बच्चों का फ्रॉडस्टर में इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर पाए बाय एनी मींस। हालांकि वो ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, वो ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बार इंटीग्रिटी को भंग किया गया है, लेकिन क्या हम कुछ लोगों को ही जो माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, जो गलत हुआ है, बट उसका एक्सटेंट कितना है शायद ये परसेंटेज में आंकना भी बाकी है। बट वो कहीं ना कहीं देश की बड़ी चिंता कर रहे हैं और इस सिवेरिटी को समझते हुए कि 24 लाख बच्चों का री एग्जाम कराना नॉट ए बच्चों का खेल, तो इसलिए वो चिंता भी कर रहे हैं और देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। Stay tuned with us.